गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत आने वाला जो टॉपिक है हमारा अलंकार। हमने कल शब्दालंकार में दो अलंकार पढ़े थे, आज हम उसके आगे का अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? कि जहां एक वर्ण या अक्षर कई बार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या तो एक वर्ण कई बार आ जाए, दो या दो से अधिक बार, या संपूर्ण अक्षर जो हैं दो या दो से अधिक बार आ जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, इसके मुख्यतः पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पांच। पहला भेद है छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ये इनके पांच भेद किए गए हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे वह है छेकानुप्रास। क्या कहता है छेकानुप्रास? किसे कहेंगे हम? कि जहां एक वर्ण क्या है, जहां एक वर्ण या अक्षर दो बार आए वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। मैंने यहां एक उदाहरण लिया है, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती। क्या है पद इसका? कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती। इसमें हमें यह ढूंढना है कि ऐसा वर्ण या ऐसा अक्षर कौन सा है जो दो बार आया है। कौन सा है मित्रों? हम इसमें पढ़ते हैं तब ये क वर्ण और यह क वर्ण दो बार आया है, ठीक है। तो वर्ण दो बार आने के कारण यह क्या हो गया है? छेकानुप्रास अलंकार हो गया है। दूसरा एक और मैंने उदाहरण लिया है, अमीय भूरिमय चूर्ण चारु समन सकल भवरुज परिवारों। यहां पर एक ही वर्ण जो है दो से अधिक बार आए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? म वर्ण एक यहां दूसरा यहां आया है। फिर देखिए ये च वर्ण और ये च वर्ण आया, ये र और ये र वर्ण भी आया, ये स और ये स वर्ण भी आया, और यहां उ और ये उ वर्ण भी आया है। तब यहां एक वर्ण है जो दो बार आया है और दो बार आने के कारण यह कौन सा अलंकार होगा मित्रों? छेकानुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला अलंकार है हमारा इसी अनुप्रास में छेकानुप्रास। इसकी क्या विशेषता होती है? जहां एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति स्वरूपता व क्रमश आवृत्ति हो, एक ही रूप में हो और क्रम से हो। किस चीज की? एक या अनेक वर्णों की। एक वर्ण हो या एक से अनेक वर्णों की आवृत्ति है वह समरूपता के रूप में, स्वरूपता एक सी हो और क्रमश हो, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। दूसरा मैंने यहां उदाहरण लिया है, चरण चोट चटकत चकोर कलावती केलीवती कलिंदा। ये जो हैं ये तीनों ही उदाहरण किसके हैं? वृत्यानुप्रास। कैसे हुआ? एक या अनेक व्यंजनों की आवर्ती स्वरूपतः या क्रमशः हो। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर यानी तवर्ण की, त
त वर्ण की, त वर्ण की, त वर्ण की और त वर्ण की आवृत्ति जो हैं अनेक बार हुई हैं, एक ही व्यंजन है और स्वरूप भी उसका एक जैसा है, तब यहां क्या होगा? वर्त्यानुप्रास अलंकार होगा। चरण चोट चट कत चकोर, च वर्ण की, च वर्ण की, च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर भी वर्त्यानुप्रास होगा। क वर्ण, क वर्ण, क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर भी वर्त्यानुप्रास होगा। तीसरा अनुप्रास है श्रोत्यानुप्रास, मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रोतानुप्रास कहते हैं। यानी हम जब मुख से उस वर्ण का उच्चारण करते हैं तब उसका स्थान कौन सा है, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर इस अलंकार की पहचान की जाएगी। यानी वह वर्ण जो हैं कंठे हैं, तालव्य हैं, वत्स्य हैं, दंत्य हैं, कैसे हैं, उसके आधार पर हम इस अलंकार की पहचान करेंगे। विशिष्ट वर्णों के साम्य, सभी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण होने चाहिए। मैंने यहाँ उदाहरण लिया है, तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। यहाँ पर जो है ये त वर्ण, फिर तुलसीदास सिदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई, ये द वर्ण, सिदत तुलसीदास, तो ये जो वापिस त हैं, स हैं, स हैं, स हैं, स और इस प्रकार से ये वर्ण एक ही स्थान से उचित होने वाले हैं, त थ द ध न, तो ये दंत्य वर्ण हैं और इसमें दंत्य वर्ण अधिक आए हैं, तो ये त हो गया, द हो गया, फिर द हो गया, त हो गया, न हो गया, द हो गया, न हो गया, द, त, यानी एक ही स्थान से उचित होने वाले वर्णों की संख्या इसमें अधिक हैं, तब ये कौन सा होगा? वर्त्यानुप्रास अलंकार होगा। चौथा अलंकार है हमारा लाटानुप्रास। इसमें देखिए कभी कभी जो बात हैं, पद हैं, उसमें तो जुड़ा हुआ होगा या जो होगा, तो ऐसे जब पद आ जाते हैं तब वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक बात कह करके पुनः वही बात कही जाती है, ठीक है ना? जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो यहां पर क्या आ गया है? तो आ गया है। और उसी प्रकार से यदि जो से बने हुए ऐसे पद हो तब भी वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। जैसे मैंने दूसरा बनाया है, पंकज तो पंकज हैं, यानी पंकज नाम का व्यक्ति है वो तो बिल्कुल कमल की तरह है, तो ऐसे शब्द जो तो से जुड़े हुए हो वाक्य, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। फिर अंत्यानुप्रास, अब अंत्यानुप्रास शब्द जो है उसी को पकड़ लीजिए, यानी जब छंद के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, एक जैसे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, यानी उस शब्द का अंत्य अक्षर जो है वह एक सा हो, तब वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। देखिए यहां पर कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लज्जियात, क्या कहा है? कहत, तो यहाँ त की आवृत्ति, नटत त की आवृत्ति, रीझत त की आवृत्ति, खीजत त की आवृत्ति, मिलंत में त की आवृत्ति, खिलत में त की आवृत्ति और लज्जियात में त की आवृत्ति, तो एक ही प्रकार के व्यंजन हैं और समान स्वर हैं,
तो यहां पर क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। गुरुपद मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृघ दोष विभंजन, तो यहां पर जन और ये जन आ गया, तो यहां पर भी क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। तो इस प्रकार से हमने अभी हमारे ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पांच अलंकारों का विश्लेषण किया है। अगला हमारा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार, जो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। किसमें? अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। वक्रोक्ति कवि से शाब्दी करते हैं, वक्र उक्ति यानी जो टेढ़ी उक्ति हो उसको वक्रोक्ति कहते हैं। देखिए टेढ़ापन कैसे आता है इसमें, किसी एक व्यक्ति के कहे गए शब्द या वाक्य में जो सामने वाला श्रोता जो है दूसरा व्यक्ति जानबूझकर अन्य अर्थ की क्या करता है, कल्पना करता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कहे गए शब्द या वाक्य का सुनने वाला जो है वह जानबूझकर काल्पनिक अर्थ जो है लगाता है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहां मैंने उदाहरण लिया है कि कौन तुम, क्या कहा है, कौन तुम, तब उत्तर मिला घनश्याम में, तब वापिस क्या कहा, तो जाए कहूं वर्षा करो, राधा और कृष्ण का संवाद है। राधा के घर कृष्ण आए हैं और बाहर से ही उन्होंने नोक किया, दरवाजे को दस्तक दी है, तब राधा ने अंदर से आवाज लगाई कि कौन तुम, तब कृष्ण ने कहा घनश्याम में कि मैं घनश्याम हूं। अब देखिए घनश्याम का यहां राधा है जानबूझ करके काल्पनिक अर्थ लगाती है, किसमें, बादल के रूप में कि तुम घनश्याम हो, काले घने बादल हो, तो यहां क्या करने आए मेरे घर, तो कहीं जाओ और बरसात करो। तो ये जो अर्थ हैं वो काल्पनिक हैं, कहे हुए व्यक्ति का अन्य अर्थ कल्पना के रूप में व्यंग्य के रूप में लेना वक्रोक्ति है। दूसरा भी ऐसा ही है, कौन द्वार पर हरिराधे का वानर का काम, यहां कि द्वार पर कौन खड़ा हुआ देखा, तो फिर यहां कौन द्वार पर, द्वार पे कौन है भाई, फिर कृष्ण ने कहा हरिराधे क्या है, मैं हरि हूं राधे, तब हरि का अर्थ वानर भी होता है। यहां राधा जो है वह हरि का अर्थ क्या लगाती हैं, बंदर से लगाती हैं, तो कहा कि मेरे घर में इस बंदर का क्या काम, जाइए जंगल में कूदिए नाचिए। तो इस प्रकार से ये हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। पांचवा अलंकार है उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार महत्वपूर्ण अलंकार है। यहां ये क्या करें, जहां दो चीजों में समता प्रदर्शित की जाए, दो चीजें हैं उनको समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब ये समानता किसके आधार पे, आकृति के आधार पे हो जाए, रूप के आधार पे हो जाए, रंग के आधार पे हो सकती है, और उनके गुणों के आधार पर भी उसकी समानता हो सकती है। इस अलंकार में मुख्य रूप से चार चीजें कार्य करती हैं। क्या करती हैं, चार चीजें, कौन सी हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक। अब ये चार चीजें क्या हैं, जैसे उपमेय, जिसकी समानता की जाए, क्या होगा उपमा, उपमेय जिसकी समानता की जाती हो, उपमान जिससे समानता की जाए,
किसके समान बताया गया है। फिर जो है समान धर्म, जिस कारण से उसके रूप के आधार पर, आकृति के आधार पर, गुणों के आधार पर, किस आधार पर उसकी समानता की गई है। फिर इसमें वाचक शब्द भी आते हैं, जैसे सा, से, सी, सम, सरे, सदृश्य, इव, ज्यों, जैसे, जिमी आदि। जो अब वाचक शब्द जहां हमें मिलते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए ये उपमा अलंकार की बात हुई, लेकिन उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? इन चार बिंदुओं के आधार पर। एक जहां उसको अपन कहते हैं पूर्ण उपमा, दूसरा जहां अपन कहते हैं लुप्त उपमा। जिसमें ये चारों ही पद मौजूद होते हैं वहां तो होता है पूर्ण उपमा। जहां कहीं एक इसमें नहीं होता है, उपमेय उपमान, समान धर्म या वाचक शब्द किसी में से कोई एक बिंदु नहीं है, तब वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। देखिए अपन दोनों के ही उदाहरण करेंगे यहां पर। पहले अपन लेते हैं पूर्ण उपमा के उदाहरण। लिखा मैंने है मुख कमल के समान सुंदर हैं। क्या हैं? मुख कमल के समान सुंदर हैं। इसका मतलब यहां कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अब इनको अपन इन तीनों चारों बिंदुओं में देखेंगे कि यह जो है वाक्य किस प्रकार से उपमा अलंकार बना और कौन सा बना, लुप्त उपमा है या पूर्ण उपमा है। देखिए यहां उपमेय मुख है। उपमेय क्या है? जिसकी समानता की गई। किसकी समानता की गई है? मुख की समानता की गई है। अब जिससे समानता की जाए वो क्या है? उपमान है। किससे की गई है? कमल से की गई है। फिर समान धर्म क्या है, कैसा है? तो वह समान धर्म सुंदर हैं, ठीक है ना। और फिर वाचक शब्द इसमें कौन सा आया है? ये रहा वाचक शब्द समान। तो ये चारों ही इसमें रूप मिलते हैं। इसका मतलब ये पूर्ण उपमा का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम अन्य भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला। मन किस के समान डोला? पीपल के पत्ते के समान। तो इसमें मन जो है वह हमारा उपमेय है, पीपल पात उपमान है, डोला समान धर्म है किस प्रकार से, और फिर वाचक शब्द इसमें आया है सरिस, यानी पीपल पात सरिस मन डोला। तो इसमें चारों ही रूप हैं, उपमान है, उपमेय है, वाचक है और समान धर्म है। तो इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण उपमा का उदाहरण है। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे। सीमा रहित अनंत गगन सा विस्तृत उसका प्रेम हुआ, इसमें भी पूर्ण उपमा है। पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें भी पूर्ण उपमा है। सतरंगों के इंद्रधनुषी स्मृति उर्मे छाई, इसमें भी जो पूर्ण उपमा का उदाहरण है। अब इसी उपमा में दूसरा इसका रूप है लुप्त उपमा। जहां उपमान का कोई अंग लुप्त हो जाए, यानी चार जो अंग थे ये, उसमें से एक अंग का अभाव रहेगा, चारों ही अंग इसमें मौजूद नहीं रहेंगे, तब वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने यहां उदाहरण दिया है मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख कमल जैसा सुंदर है। अब यहां देखिए उपमेय भी हैं, उपमान भी हैं, वाचक शब्द हैं, लेकिन समान धर्म नहीं है। मुख कमल जैसा है, अब कमल कैसा है? मुरझाया हुआ है या सुंदर है, खिला हुआ है, ये चीज नहीं बताई है।
तब देखिए यहाँ पर यदि इसमें आ जाए मुख कमल जैसा सुंदर हैं, तब तो चारों रूप हो जाएंगे, चारों अंग हो जाएंगे और पूर्ण उपमा हो जाएगा। अब इसमें बताया नहीं गया है कि कमल कैसा है, ठीक है, तो यहाँ उपमेय तो हो गया मुख, उपमान हो गया कमल, और समान धर्म सुंदर है, मुरझाया हुआ है, बदसूरत है, कैसा है ये चीज नहीं बताई है। वाचक शब्द जो है जैसा है, तो ये तीन तो इसके अंग इसमें मौजूद हैं, एक अंग का इसमें अभाव है, तब ये लुप्त उपमा कहलाएगा, क्योंकि एक अंग इसमें लुप्त हो चुका है। रति रमणीय मूर्ति राधा, यहां देखिए, यहां जो रति रमणीय मूर्ति राधा, अब यहां पर उपमेय जो है वह नहीं है, बाकी तो तीनों ही अंग है, उपमान है, समान धर्म है, वाचक है, और उसमें उपमेय का अभाव है, तो यह भी उदाहरण कैसा हो गया, लुप्त उपमा से जुड़ा हुआ उदाहरण हो गया। इसके अन्य भी कई प्रकार के उदाहरण हमें मिल जाएंगे जहां पर तीन अंग होंगे और चौथा अंग उसके अंदर लुप्त मिलेगा, तब वहां पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। फिर अगला हमारा अलंकार आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहेंगे हम, जहां उपमेय का उपमान में अभेद रूप से आरोप किया जाए, एक ही रूप बता दिया जाए, अभेद रूप से आरोप किया जाए, जहां पर कह सकते हैं एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब देखिए मुख कमल है, यहां पर जो है मुख पर कमल का आरोप किया गया है कि मुख कैसा है, बिल्कुल कमल सा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर चरण सरोज पखारन लगा, यानी चरणों को क्या बताया है, सरोज कमल बताया है, और इस प्रकार से चरणों पर अभेद आरोप कमल का किया गया है, यहां मुख पर अभेद आरोप कमल का किया गया है, तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसके अन्य भी कई हमें उदाहरण मिलेंगे रूपक के। रूपक के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। कई सारे इसके उदाहरण हैं, जैसे टंकार की निर्घोष था, टंकार ही निर्घोष था, सर्वृष्टु की जलवृष्टि थी जलती हुई, रोष अग्नि से उद्दीप्त विद्युत दृष्टि थी, गांडीव रोहित रूप था, रथ ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था। ये भी रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। दूसरा देखिए, दिनकर कुल केरव वन चंदू, आगे भी लिखा है, आशा मेरे हृदय मरु की मंजू मंदाकिनी है। ये सभी जो हैं उदाहरण हमारे रूपक अलंकार के हैं। अगला जो है अलंकार हमारा उत्प्रेक्षा है, और इस अलंकार को हम कल पढ़ेंगे। आपको जो आज हमने पढ़े हैं वो अलंकार कैसे लगे, उस पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।